हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप और हम मिलकर देखेंगे मैड मैक्स मूवी सीरीज का सेकंड पार्ट, जो कि 1981 में रिलीज हुआ था। इस सेकंड पार्ट में हमें पहले पार्ट के बाद कितने ज्यादा हालात बिगड़ चुके हैं उन हालातों को दिखाया गया है। लोग इस समय पेट्रोल के लिए मरने मरने पर उतारू हैं और इस पेट्रोल को लेकर आम लोगों और लुटेरों के बीच में एक इस तरीके का युद्ध होता है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो गाइज, अगर आपने अभी तक इस मूवी सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस पार्ट को मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं, और ऐसा करने से आपको इस मूवी सीरीज की स्टोरी सही से समझ में आ सकेगी। और इस सेकंड पार्ट की स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि अभी गाइज मुझे आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं मैक्स को। मैक्स पेट्रोल की तलाश में हाईवे पर भटक रहा है, क्योंकि अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। सभी लुटेरों ने पेट्रोल की तलाश में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है। इस हाईवे पर मैक्स के पीछे कुछ लुटेरे पड़े हुए हैं, जो कि मैक्स को मारकर उसकी कार और उसमें बचा हुआ पेट्रोल लेना चाहते हैं। लेकिन मैक्स इतनी जल्दी इन लुटेरों के हाथों आने वाला नहीं है। मैक्स पहले पार्ट की तरह ही इन सभी लुटेरों को अपनी कार की स्पीड बढ़ाने के बाद एक एक करके सभी का एक्सीडेंट कराते हुए यहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वो देखता है कि एक लुटेरा उसके पीछे पड़ा है। ये देखकर वहाँ मैक्स अपनी कार को रोक लेता है और वो अपनी कार से उतरकर अपने डॉगी के साथ बाहर आता है। मैक्स के पास ये वही डॉगी है जो पहले पार्ट में मैक्स की वाइफ जेसी के पास हमने देखा था। जेसी इस डॉग को बहुत प्यार करती थी, लेकिन इन लुटेरों ने मैक्स की उस खुशहाल जिंदगी जिसमें मैक्स अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ काफी खुश था, उसे पूरे तरीके से तबाह कर दिया है। इधर ये एक लुटेरा जो कि अभी तक मैक्स का पीछा कर रहा था, वो मैक्स को यहाँ पर रुका हुआ देखकर थोड़ा डर जाता है और वो सोचने लगता है कि ये अचानक से क्यों रुक गया है, शायद ये मुझे मारने का कोई प्लान तो नहीं बना रहा है। ये सोचकर वो लुटेरा वहाँ से वापस लौट जाता है। और अब हम देखते हैं मैक्स को, जो अपने डॉगी को लेकर अपनी कार से इस रेगिस्तान में आगे की ओर बढ़ता है। मैक्स की फैमिली के खत्म होने के बाद मैक्स एक तरीके से पागल सा हो गया है। मैक्स एक काबिल योद्धा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे किसके खिलाफ युद्ध लड़ना है और उसे क्यों लड़ना है। मैक्स की जिंदगी के सारे एम खत्म हो चुके हैं और अब उसकी जिंदगी में कोई भी एम नहीं है। मैक्स अपनी वाइफ और अपने बच्चे की याद को भुलाने के लिए इस रेगिस्तान में भटकता रहता है। मैक्स पर इतना बुरा वक्त क्यों आया है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी सीरीज के पहले पार्ट को देखना होगा, जो कि आपको मेरे इसी चैनल पर आसानी से मिल जाएगा। इधर हम देखते हैं मैक्स को, जिसे काफी दूर चलने के बाद रोड पर कुछ दिखाई देता है। ये देखकर मैक्स अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक लेता है और वो जब अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक जायरो कैप्टन नाम का आदमी दिखाई देता है, जो कि चोर और लुटेरों से बचने के लिए रेत में दबा हुआ था। जिसे देखकर मैक्स को लगता है कि शायद ये भी कोई लुटेरा है। ये सोचकर जब मैक्स उसे वहाँ पर मारने लगता है तो वो वहाँ पर मैक्स को सब कुछ बताते हुए बोलता है कि मैंने ये बहुत मेहनत के साथ एक छोटा सा प्लेन बनाया है और इस प्लेन में बैठकर सिर्फ एक ही आदमी उड़ सकता है, और मैं इस प्लेन को उड़ाते हुए थोड़ा दूर निकल आया था, लेकिन अब इसका पेट्रोल भी खत्म हो गया है। इस तरह मैं इस रेगिस्तान में फंस गया हूँ, लेकिन इस रेगिस्तान में दूर दूर तक पेट्रोल का नामो निशान नहीं है। यहाँ तो सिर्फ चोर और लुटेरे ही चारों तरफ घूम रहे हैं, और इन चोर और लुटेरों से बचने के लिए ही मैंने अपने आप को इस रेत में दबा लिया था। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि मुझे यहाँ पर लुटेरे किसी दिन देख लेंगे और वो यहीं पर मुझे मार देंगे। जायरो कैप्टन की ये बात सुनकर मैक्स उससे बोलता है कि मेरे साथ तो तुम और भी जल्दी मारे जाओगे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। अभी तो सिर्फ मुझे इतना पता है कि मुझे सिर्फ अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए। ये सुनकर जायरो कैप्टन मैक्स से बोलता है कि पेट्रोल तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, और इतना पेट्रोल दिलाऊंगा कि तुम भी देखकर हैरान रह जाओगे, पर मुझे तुम अपने साथ ले चलो। अब जायरो कैप्टन की ये बात सुनकर मैक्स जायरो कैप्टन को एक जंजीर से बांध लेता है, और अब ये दोनों उस रेगिस्तान में एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मैक्स जायरो कैप्टन को एक जगह को दिखाते हुए बोलता है कि उस जगह को थोड़ा ध्यान से देखो, उस जगह पर एक ऑयल रिफाइनरी है जहाँ पर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तीनों चीजें बनाई जाती है, और इस रिफाइनरी को चलाने वाले लोग एक ही परिवार के सभी लोग हैं जिन्होंने काफी सारा पेट्रोल अपने पास स्टोर करके रख लिया है। लेकिन इस रिफाइनरी में कोई बाहर का आदमी उनकी बिना मर्जी के इस रिफाइनरी के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त है।
लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम एक और है। इस रिफाइनरी से कुछ ही दूर पहले इस रेगिस्तान का माना हुआ लुटेरा ह्यूमंगस अपने सभी लुटेरे साथियों के साथ वहाँ रहता है, लेकिन ये ह्यूमंगस इतना खतरनाक होने के बावजूद भी वो और उसके साथी भी इस रिफाइनरी के अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ह्यूमंगस और उसके सभी लुटेरे साथी हमेशा इस मौके की तलाश में यहाँ पर पड़े रहते हैं कि एक ना एक दिन तो ये सभी इस रिफाइनरी के लोगों को मारकर यहाँ का सारा पेट्रोल अपने अंडर में कर लेंगे। जायरो कैप्टन इस तरह मैक्स को सब कुछ बता देता है। तभी हम देखते हैं कि इस रिफाइनरी को चलाने वाले परिवार का एक आदमी अपनी वाइफ के साथ यहाँ से पेट्रोल को बाहर बेचने के लिए जा रहा है, और इस रिफाइनरी से बाहर आने जाने वाले सभी रास्तों को ह्यूमंगस ने अपने लुटेरे साथियों के द्वारा बंद करा दिए है। ह्यूमंगस के ये सभी लुटेरे साथी इस आदमी को पेट्रोल ले जाते हुए देख लेते हैं और उसे पकड़कर उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हुए उसे वहाँ पर काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। उसकी वाइफ के सारे कपड़े फाड़ते हुए ये लुटेरे एक एक करके उसकी वाइफ का वहाँ पर सभी लोग रेप करते हैं, और रेप करते हुए सभी लुटेरे उस लेडीज को वहाँ पर मार देते हैं और इस आदमी को वहाँ पर बांध देते हैं जो कि ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। ये सब करने के बाद ये सभी लुटेरे अपने अगले शिकार की तलाश में वहाँ से चले जाते हैं। इधर मैक्स और वो जायरो कैप्टन अपने एक जायरोस्कोप की मदद से उस चट्टान के ऊपर से ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन मैक्स को ये सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। और मैक्स इन सभी लुटेरों के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच कर मैक्स उस आदमी को खोल लेता है और उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी रिफाइनरी तक सुरक्षित पहुँचा दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे बहुत सारा पेट्रोल चाहिए। गाइस ये आदमी अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लटका हुआ था और इसे अपनी मदद के लिए दूर दूर तक कोई भी आदमी इस रेगिस्तान में नजर नहीं आ रहा था। ये सोचते हुए ये आदमी वहाँ पर मैक्स की हर बात मान लेता है और मैक्स से बोलता है कि बस तुम मुझे मेरी रिफाइनरी तक पहुँचा दो, फिर तुम जितना चाहो उतना पेट्रोल ले जा सकते हो। मैक्स इस आदमी को लेकर अब उस रिफाइनरी के गेट पर पहुंच जाता है। एक अननोन गाड़ी को देखकर उस रिफाइनरी पर पहरा देने वाले सभी लोग मैक्स की तरफ हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मैक्स इन सभी लोगों को उस आदमी को दिखाता है और ये देखकर ये सभी आदमी मैक्स को इस रिफाइनरी के अंदर आने देते हैं। अब मैक्स इन सभी आदमियों से बोलता है कि तुम्हारे इस आदमी के साथ मेरा एक सौदा हुआ था, और सौदा ये था कि मैं तुम्हारे आदमी को तुम्हारी रिफाइनरी तक पहुंचाऊंगा, उसके बदले में ये मुझे काफी सारा पेट्रोल देगा। मैक्स की ये बात सुनकर इस रिफाइनरी के लोग सोचते हैं कि ये आदमी एक लुटेरा है और ये सब लुटेरों की ही एक चाल है। तो मैक्स इन सभी लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है तो तुम अपने आदमी से ही पूछ लो कि हम दोनों के बीच में सौदा हुआ था या नहीं। ये सोचते हुए मैक्स इन सभी लोगों को बात का यकीन दिलाने के लिए जब इस आदमी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो आदमी तो मर चुका है। ये देखकर मैक्स वहाँ पर थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि इसी आदमी के द्वारा मैक्स इन सभी लोगों को अपनी बात का यकीन दिला सकता था। अब इस रिफाइनरी के सभी लोग मैक्स को वहाँ पर एक जगह बांध देते हैं और उसकी कार को भी वहाँ पर छुपा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ह्यूमंगस अपने सभी लुटेरे साथियों के साथ इस रिफाइनरी के बाहर आ जाता है और वो इस रिफाइनरी के सभी लोगों से बोलता है कि तुम अपना ये सारा पेट्रोल डीजल और इसको बनाने वाली ये सारी मशीनें छोड़कर यहाँ से चले जाओ, इस सब के बदले में मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सभी लोगों को तुम्हारी ही पेट्रोल के साथ जिंदा जला दूंगा, और इस सब के बारे में सोचने के लिए तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है। ये बोलते हुए ह्यूमंगस अपने सभी लुटेरे साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं रिफाइनरी में, जहाँ के मुखिया पापा गैलो अपने सभी आदमियों से बोलते हैं कि अगर हमारे पास इस पेट्रोल से भरे टैंक को यहाँ से ले जाने की कोई व्यवस्था होती तो हम इस नर्क से कब के अब तक निकल गए होते। पापा गैलो की ये बात सुनकर वहाँ मैक्स बोलता है कि तुम्हारे इस पेट्रोल से भरे टैंक को यहाँ से ले जाने के लिए मैंने इन लुटेरों के पास एक ट्रक देखा है, अगर मैं उस ट्रक को लाकर तुम्हें यहाँ पर दे दूँ तो क्या तुम मुझे मेरी कार और थोड़ा पेट्रोल लेकर मुझे जाने दोगे। मैक्स का ये सौदा पापा गैलो को काफी पसंद आता है। अब 4 गैलन पेट्रोल लेकर मैक्स उस ट्रक को लाने के लिए यहाँ से निकलता है और सबसे पहले मैक्स उस जगह पहुँचता है जहाँ पर मैक्स ने जायरो कैप्टन को छोड़ा था। जायरो कैप्टन मैक्स को दोबारा देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स उस ट्रक को लेकर वहाँ से आने लगता है और ह्यूमंगस के ये कुछ लुटेरे साथी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आ रहे हैं। ये देखकर इस रिफाइनरी के लोग इन सभी लुटेरों पर हमला करने लगते हैं। इस हमले में इन लुटेरों की कई गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं और ये सभी लुटेरे वहाँ से वापस चले जाते हैं। और जाकर इस सब के बारे में जब ह्यूमंगस को ये सब कुछ बताते हैं तो ह्यूमंगस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने सभी लुटेरे साथियों को लेकर यहाँ पर आ जाता है। इधर
इधर मैक्स इस ट्रक पर पेट्रोल से भरा टैंकर रखकर यहाँ से निकलता है और इस रिफाइनरी के कुछ लोग दूसरे रास्ते से निकलते हैं। ह्यूमंगस यहाँ पर पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर देखकर अपने कुछ लुटेरे साथियों को लेकर मैक्स का पीछा करने लगता है और मैक्स का ये ट्रक काफी बड़ा था इसलिए मैक्स इन सभी लुटेरों को एक एक करके वहाँ पर अपने ट्रक से कुचल देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे उस रिफाइनरी में ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर मारे जाते हैं। और इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक्स जिस ट्रक को लेकर आया है उस ट्रक में तो पेट्रोल ही नहीं है। मैक्स ने इस तरह ह्यूमंगस और उसके सभी लुटेरे साथियों का ध्यान भटकाकर इस रिफाइनरी के लोगों को यहाँ से सुरक्षित उनके पेट्रोल के साथ निकाल दिया है। और इस कहानी को पापा गेलो सुना रहे थे कि वो मैक्स अपनी रियल लाइफ में एक हीरो था लेकिन अब वो कहाँ है इसका कोई पता नहीं है। तो गाइज ये मूवी यहीं पर एंड होती है और मैक्स को अब हम देखेंगे इस मूवी सीरीज के तीसरे पार्ट में। तो गाइज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वरना आप इस सीरीज के बाकी दो पार्टों का एक्सप्लेनेशन मिस कर देंगे। तो मिलते हैं इस मूवी सीरीज के तीसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बाय।